और अपनी खटखट टोल प्लाजा की कमेटी, बुजुर्ग और साथियों, माता और बहनों, सबको राम राम। ये बात तो अपने कैप्टन साहब ने बता दी, लेकिन जो व्याख्या और देखा आज इस देश में वो आंदोलन है। हमने जब आंदोलन शुरू कराया तब ये सोचा था कि भाई हमारे बुजुर्गों ने तो खून दे के आज़ादी ली थी अंग्रेजों पर, और हमने जब इन पापन सरकार के खिलाफ हमारे देश प्रदेश ने आंदोलन शुरू कराया तो हमारा एक इरादा था कि भाई हम जिंदे रह के ये आंदोलन और आज़ादी लें। लेकिन इस सरकार की बर्बरता से ये सिद्ध हो गया इवे कि सरकार में कोई ऐसा आदमी है नहीं जो हिंदुस्तान की मिट्टी का बना हुआ हो। ये एक इनमें ऐसे लोग चले गए जिन्होंने कभी देश के बारे में कुछ सोचा ही नहीं हो, ना इनके बुजुर्गों ने सोचा, ना इनके बच्चे सोचेंगे। लेकिन आप किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी के भाईचारा ने ये सोचा कि भाई तीन काले कानून तो गलत ला दिए, और एमएफसी में कह ही है थी है रहेगी, एक झूठे प्रचार करे इनने। तो जब तक ये तीन काले कानून सरकार उल्टे नहीं लेगी, एमएफसी में आप ने गारंटी नहीं देगी, आपको एक वादा करके जावा हर आप खटखट टोल प्लाजा में कहीं भी इतनी आफत आई है, लेकिन जब तक हम तीन काले कानून वापिस नहीं ले लेंगे, एमएफसी में गारंटी नहीं ले लेंगे, ये पानी मारो, ये लाठी मारो, ये गोली मारो, जब तक ये तीनों चीज, तीन काले कानून, एमएफसी पर गारंटी, हम जिंदे उल्टे घर नहीं जावांगे, लाश मारी कुया ठा लीजिए हो। ये मारा आंदोलन का इरादा है, और एक एक आदमी का इस देश में आज भलाई कोई पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ। और आप करना भाइयों की वस्ताड़ा टोल की तो पूरा देश में चर्चा हो रही है। जब हमने एक भाई खोया है, 20-25, 12-15 जितने भाई मारे घायल हुए हैं, कोई बात नहीं। आज उसका परिवार से मिलके आए हैं, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बेटे। भाई हम तो उन महिलाओं का ऐसा कुछ महसूस होया हमारा कि महिलाओं की कूख अभी भी इसी है जो भगत सिंह पैदा करने के लिए तैयार हैं और करा। और आप थोड़ी थोड़ी संख्या में मारे रूम खड़े हुए हैं। एक बिन होया मुख्यमंत्री, बिन आया मुख्यमंत्री, पैराशूट मुख्यमंत्री, ये हमने नहीं बनाया, आपकी गलती नहीं है। यू प्रधानमंत्री मोदी ने पैराशूट से मोटरसाइकिल इस पर के यू हेलीकॉप्टर तक गिरा था। इसका कोई किसी किस्म की ये नहीं, भाई मेरा परिवार है, मेरा इलाका है, मेरा कुछ है, कोई लाग लपेट नहीं इन भाइयों के। और इनको हम ये दिखा देंगे इव पूरे भारत में जो साधन, बल्कि हम थोड़े है पछे रह गए तारे थे तमें जीत गए। जब यह शहादत हुई है तो आपकी जीत है। और उन माया के चेहरे देखे, ये मीडिया के भाई थे, बल्कि मारा पे नहीं बोलिया गया, वहां तड़ातड़ बोलने थी। उन्होंने कहा मैंने देश के लिए सौंप दिया मेरा पुत्र, बहू ने कहा मेरा पति मैंने देश के लिए सौंप दिया, उनको भी सलाम करते हैं आपके बीच में भाई। ऐसी ऐसी महिला रही बात भाई, थोड़े दूर हो गए, दुख तो बहुत था,
ये आजकल ये हमारे या जो मोदी मीडिया बोल रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। कल ने सरकार बदल जाएगी, क्या उस सरकार के साथ जाएगी या मोदी मीडिया? आज हमारी मदद नहीं कर रही, उनको भी शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तो मध्यस्थता है, मीडिया तो चौथा सदन होता है। ये तो शुक्र है हमारे भाई जो छोटी मीडिया बोल रहा था ये मदद कर रहे हमारी, तो नहीं तो हमने सारे मार जिए सारे मार के लाश बेरा नहीं गंगा में भावें खड़िया दाबे हमारी। ये तो ये भाई ये मदद कर रहे हमारी। तो भाइयों आपको हम फेटन भी आए हैं और कैप्टन साहब ने सारी खोल के बता दी राशि। तो के ओ है भाई, उसका बहाना है जो जर्मनी के भाई हैं वह मदद कर रहे हैं। एक सोनू भाई है पत्रकार, इसके थ्रू आवे हुए, चलो हमारा काम में आवे हैं। और इन भाइयों को जो 10-12 शहर साहब इनको भी अब उन्हें के है पीछे पासे तो निकल के हमारे तो मध्यस्थता है। ये सोनू छोरा खड़ा इसकी है। और एक बात और कह के जावा हम भाई, भाई घबराइयो ना, जो सुशील काजल यू जीत गया आप आ रहे हैं और जो ये भाई बैठे ये कहनी एक कौन का आंदोलन है, मुट्ठी भर बैठे हैं आतंकवादी बैठे हैं नक्सलवादी बैठे हैं। अरे भाई ये छाती में रड़केंगे। अरे एक और बात बता के जावा भाई, 7 पीढ़ी नहीं भूल दे, 2024-26-48 तो के है इसके कारनामे आपा 7 पीढ़ी नहीं भूल दे भाई। कोई गलती होगी हो तो माफ करना भाई, ऐसा ही काम था। सबको राम राम, जय हिंद। और सम्मानित मंच, भिन्न भिन्न गांव से आए हुए मेरे किसान सरदारों, सबसे पहले मैं आप सबको नमन, अपना प्रणाम, राम राम सबको। ये जो 28 तारीख को जो घटना घटी उसके लिए मैं सबसे पहले आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। जो हिम्मत और जो कौम को जगाने का काम पस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे हुए जो किसानों ने किया, आज सिर्फ देश में ही नहीं प्रदेश में भी आपके जज्बे को जो है लोग आज उसका जिक्र कर रहे हैं। और उसी के साथ हरियाणा सरकार की जो कायराना हरकत रही, जो निहत्थे किसानों के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया, उसकी भर्त्सना भी पूरे जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों से भी जो है उनकी भर्त्सना की जा रही है कि यह जो प्रशासन ने कार्य किया वह कायरतापूर्ण कार्य था। इस तरीके की जो है कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसानों के द्वारा। और जो एक तानाशाह जो SDM सिन्हा अब जिसको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया, हम अपील करते हैं आप सबसे कि सिर्फ स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा, ऐसे अधिकारी का निलंबन होना चाहिए, उसका जो है उसको बर्खास्तगी होनी चाहिए। और इसके लिए किसान तब तक जो है इसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक किसान जो है संघर्षरत रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़े या अपने सामाजिक दबाव का सहारा लेना पड़े, लेकिन ये कार्य जो है हम जरूर करेंगे कि जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। जिसके कारण हमारे एक भाई ने शहादत दी और सैकड़ों भाई जो है हमारे घायल हुए। एक भाई की आंख चली गई, नाक की हड्डी टूटी। तो ये जो दर्द प्रशासन ने जो हमें दिया है उस दर्द को हम कभी भूलेंगे नहीं। ये जो आज हम आपके बीच में आए, हमारा सौभाग्य है कि आप सब क्रांतिकारी भाइयों का हमें दर्शनों का लाभ मिला। और जो हम यहां पर हम एक डाकिये की जो है भूमिका अदा करने आए हैं भाई, हमारे बच्चे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए वो भाई निरंतर जो है खटका टोल प्लाजा से जुड़े हुए,
पीछे गर्मी में दो तीन दफे जो है हमारा जो शेड था वो आंधी तूफान में टूट गया, दो दफे कमेटी ने बनवाया, तीसरी दफे उन भाइयों को जो उस बात का दर्द हुआ तो उन्होंने फोन किया कि जी इसका सहयोग हम करना चाहते हैं, आप लोग कब तक बनवाओगे। तो उन्होंने 1,00,000 रुपए की सहयोग राशि खटकर टोल प्लाजा पर दी और वो शेड को बनवाया गया। उसके बाद वो गर्मी का टाइम था, हमारे जो बुजुर्ग और जो मातृशक्ति वहां पर बैठी वो जो बीजने से जो है हवा कर रही थी, उस चीज को देखते उन्होंने कहा जी हम आप ऐसा करो यहां पर कूलर लगवा दो। तो उन भाइयों ने वहां पर 12 कूलर का पैसा जो है वहां से भेजा। और जब ये 28 तारीख की जो ये घटना घटी अपने जो टोल प्लाजा के ऊपर, जो कायरतापूर्ण कार्य जो प्रशासन ने किया उसका दर्द उन बच्चों को इतनी दूर बैठे हुए भी उनके मन के अंदर जो एक टीस उठी कि यार हम बैठे हुए जो है यहां से उनके आंदोलन में और कोई मदद नहीं कर सकते, परंतु हम सहयोग के रूप में थोड़ी बहुत राशि उन भाइयों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो जो भाई सुशील काजल जिनकी शहादत हुई उनके लिए उन्होंने 51,000 रुपए की राशि जो है वहां से भेजी। और जो यहां पर जो है भाई जिनको भी चोटें आई उनके लिए उन्होंने कहा जी 5,100 रुपए हमारी तरफ से सारे भाइयों को जो है आप दे करके आना। तो हम सिर्फ जो है उन भाइयों का संदेश आप तक लेकर के आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब भाइयों का आशीर्वाद उनके सिर पर बना रहे ताकि वो भाई वहां पर जो है दिन रात रात दोगुनी जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी वो वहां पर उन्नति करें। और वो अपना वो भी जो है संघर्ष कर रहे इसी काम के लिए, तो उनके जो मन में दर्द था और उनके मन में जो टीस उठी और उन्होंने जो है ये कल ही उनका फोन आया जी आप ये काम कर दो, पैसा हम आपके खाते में डाल रहे हैं और आप ये जो है ये सहयोग राशि आप जा करके वहाँ पर दे के आओ हमारी तरफ से। मैं भी उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जिनके मन में कौम का दर्द जो इतनी दूर विदेश में बैठे हुए भी उन्होंने उस दर्द को जिंदा रखा हुआ है और आपके सहयोग में वो दिन रात खड़े रहते हैं किसी भी किस्म का। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर और कोई हमारे से जो कोई सहयोग अगर जो हम कर सकते हैं हम तैयार है करने के लिए। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए सबसे पहले मैं आप सबके जो संघर्ष को और जो जज्बा था आप उसको सलाम करता हूँ और अपनी जो है वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई गलत शब्द मेरे मुंह से अगर निकला हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, जय किसान। धन्यवाद कैप्टन साहब।